से आप आ जाओ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 में। कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो वेल जान के आम भी किरचॉफ सेकंड लॉ पे होंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे हम सॉल्व करेंगे, वो सारे के सारे किस पे होंगे, आज के क्वेश्चन जो होंगे ऑन द सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। यानी का क्वेश्चन हम फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ पे करेंगे, लेकिन जो आपके एग्जाम में आता है सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ पर क्वेश्चन ज्यादा आता है या कॉलम क्वेश्चन में आता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 50। अभी तक मैंने आपको 14 क्वेश्चन तक सॉल्व कराया था, क्वेश्चन 15 बात करते हैं। तो किसी परिपथ में दो सिरों ए व बी जिनमें प्रत्येक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है समांतर क्रम में ई कोण के प्रतिरोध से जुड़े हैं। क्वेश्चन में फिगर में ध्यान दीजिएगा, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1.5 ओम और 0.5 ओम हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा तथा सेल के सिरों के विभवांतर ज्ञात करो। क्वेश्चन का क्या है, इसका फिगर कैसे ड्रा है। किसी परिपथ में दो सेलों ए व बी, दो सेलों ए और बी, नेमिंग नेमिंग हम करेंगे फिर से, दो सेलो ए और बी मान लेते हैं, एक सेल ए ये हो गया, एक सेल ये हो गया ए और बी, प्रत्येक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट। तो इसका भी मतलब ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट, इसका भी कितना है 1.5 वोल्ट, ठीक है समांतर क्रम में ई कोण के प्रतिरोध से जुड़े हैं, एक उनके प्रतिरोध से जुड़े हैं। यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम मतलब इसका कितना, ये कितना है 1.5 ओम और 0.5 ओम, ये कितना है 0.5 ओम। अब देखिए तो परिपथ में प्रवाहित धारा आपको निकालना है, कुछ परिपथ बनाते हैं आपका ए बी मान लेते हैं सी डी ई एफ जी और ये हो गया आपका एच। अब देखिए करिए क्वेश्चन को कैसे, मान लेते हैं यह आपका इस मतलब सेल से आई वन धारा निकल रहा है, इस सेल से आई टू धारा निकल रहा है, तो इसमें कितना जाएगा आई वन प्लस आई टू जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी आई वन आएगा और यहाँ से आई टू आएगा, तो दोनों जाके यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कितना जाएगा आई टू और इसमें आई वन, आशा करते हैं आपको फिगर समझ में आ रहा। तो ये इसमें देखिए यहाँ से आपको निकालना क्या है कि इसमें परिवाहित धारा का मान क्या है, मतलब I1 और I2 का मान ज्ञात करना है और प्लस दोनों सेलों के सिरों पर विभवांतर निकालना है V1 और V2। तो आपके दो आपको दो बंद पर दिखाई दे रहे होंगे C E F D C। जब भी हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे तो हम बंद परिपथ को खोजेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी कंजेस्टेड सर्किट, ये बहुत ही क्या है कंजेस्टेड सर्किट है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या लेंगे, इसमें बंद पास लेंगे। तो बंद पास क्या लेंगे, बंद पास सी ई एफ डी सी में कौन से नियम से, लूप नियम से। अगर किरचॉफ का द्वितीय नियम को हम लूप नियम कहते हैं, जैसा कि आप जानते हो, तो अगर लगाएंगे तो हमने बताया था आपको सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ या लूप लॉ या वीओसीएल वोल्टेज लॉ। तो इसको अगर हम लोग लगाते हैं कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करना आप सीख जाओगे तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। मैंने आपको बताया था अगर धारा के चलने की दिशा में चलेंगे तो I और R का गुणनफल सदैव पॉजिटिव होगा, अगर धारा के विपरीत चलेंगे तो नेगेटिव होगा, अगर माइनस से प्लस टर्मिनल की ओर चलेंगे तो हमारा जो सेल का विद्युत भार बल एक होगा पॉजिटिव होगा, ठीक। तो बंद पास C E F D C में लूप के लूप नियम से, ठीक लगा दीजिए। पहला यहाँ देखिए, यहाँ प्रतिरोध है आपका 1.5, इसमें करंट है I, धारा की दिशा में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा V आई आर आई वन 1.5। अब ऐसे ही इधर जाएंगे तो देखिए धारा आ रहा इधर, हम जा रहे हैं उधर, तो I2 करंट उसमें है, इनटू क्या होगा, यहाँ ऐसे कर लीजिए I1 इनटू 1.5 I2 इनटू क्या होगा 0.5। अब इस क्वाड्रेंट, अब कोई भी हमारा रेजिस्टेंस नहीं पड़ रहा है, अब हमारा एक पड़ रहा है यहाँ पर क्या सेल,
तो सेल से इधर ही हो रहा, इसी की माइनस एक प्लस जा रहा है, तो हमारा क्या आएगा 1.5 और कोई सेल इसमें नहीं है, और कोई सेल इसमें नहीं है। एक सेल देखिए, अब यहाँ मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ, तो ये माइनस 1.5 क्या होगा, माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1.5 I1 माइनस 0.5 I2 बराबर 0। दिस इम्प्लाई आप 10 से गुणा कर दो, गुणा कर दो 15 I1 माइनस 5 I2 बराबर 0। दिस इम्प्लाई आप 5 कॉमन ले लो, तो 3 I1 माइनस I2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ तक हमारा सही है। अब हम लेते हैं बंद पास, बंद पास इज विच ई जी एच एफ ई में, ई जी एच एफ ई में, ध्यान से समझिएगा, मतलब हम ऐसे चलेंगे ई जी एच एफ ई में। तो यहाँ देखिए करंट यहाँ पड़े, यहाँ मतलब रेजिस्टेंस पड़ा है, धारा की चलने की दिशा में है। तो I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस है 1, फिर अब यहाँ आएंगे तो धारा के चलने की दिशा में है, तो प्लस आपका करंट I2 है इंटू क्या है, इंटू आपका है 0.5 इज इक्वल। अब यहाँ एक सेल लगा हुआ है, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1.5। और कोई सेल तो लगा दे ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा I1 प्लस I2 प्लस 0.5 I2 इज इक्वल टू 1.5। देन वी कैन राइट I1 एंड I1 तो I1 है, प्लस ही हो जाएगा 1.5 I2 इज इक्वल टू 1.5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 I1 प्लस 15 I2 इज इक्वल टू 15। 5 कॉमन ले लेते हैं तो 2 I1 प्लस क्या आ जाएगा आपका 3 I2 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब देखिए थोड़ा प्रयास करिए, नीचे दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप ध्यान से समझिएगा। Here two given equations are given. First is this, second is this. Here I1 and I2 are two variables. तो यहाँ से हम I1 और I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए I1 है, यहाँ I1 है, ठीक है, यहाँ I2 है, यहाँ प्लस 3 I2। तो अगर मैं इक्वेशन वन में क्या कर दूँ, इक्वेशन वन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 I2 हो जाएगा, यहाँ 3 I2 है, तो इससे ये कैंसिल दोनों को जोड़ दूंगा मैं। तो इक्वेशन वन में क्या कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 3 से, अब प्लस कर दे रहा हूँ इक्वेशन टू गिव्स। अब इक्वेशन वन में 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये तो ये कैंसिल हो गए, ये 3 3 9 I1 9 I1 ये, और ये 2 11 I1 11 I1 इज इक्वल 0 और ये है 3। तो दिस इंप्लाई I1 इज इक्वल टू 3/11 एम्पियर। तो हमारा यहाँ से निकला I1 का वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में निकल जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या गेट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम वैल्यू को पुट कर दें, यही पुट कर दे रहे हैं, तो 3 × 3/11 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, देन I2 इज इक्वल टू 9/11 एम्पियर। तो यहाँ से मैंने I1 I2 का मान निकाल दिया। अगर परिपथ में कुल धारा निकालना हो, परिपथ में कुल धारा निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे I1 प्लस I2 कर दोगे। अगर परिपथ में कुल धारा निकालना होगा
अगर परिपथ में कुल धारा निकालना होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा आपको, अगर परिपथ में कुल धारा निकालना है, कुल धारा तो I मान लेते हैं, वो क्या होगा I1 प्लस I2 को, अब आप दोनों को जोड़ेंगे तो मैं आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके ऊपर लिखिए, नीचे लिखिएगा, देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो बंद परिपथ में कुल धारा क्या होगा, तो I इज इक्वल टू व्हाट इज I1 3 अपॉन 11 प्लस 9 अपॉन 11 इज इक्वल टू 12 अपॉन 11, दिस इज योर टोटल करंट, ये आपका निकल गया I का वैल्यू। अब बात करते हैं हमारा परिपथ में धारा तो निकल गया, अब बात करते हैं सेलों के सिरों के बीच विभवांतर, तो इसके सिर बीच निकालते हैं, तो पहले सेल के बीच, सेल ए के, सेल ए के सिरों के, सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर क्या होगा, मान लेते हैं वी वन, तो ई वन माइनस ई वन, मान लेते हैं वी ए, ए का है तो ए, तो ई ए माइनस आई ए इंटू आर, वी बराबर ई माइनस आई आर पढ़े हैं, अब कौन सा आर लेंगे, तो इसका आर लेंगे, तो आर ए, ओके, तो ई ए 1.5 आई ए, मतलब इसमें बाहर आया आई वन, इसको कर लेते हैं आई, तो I1 कितना आपका है, I1 आपका है 3/11, RA कितना है 1.5, अब ये 1.5 माइनस गुणा करेंगे 3 5 15 45 4.5/11, गुणा करेंगे 11 का एलसीएम देंगे होगा 11, गुणा करेंगे 11 का 15 में 165.5 माइनस 4.5 बराबर, भाग हटाएंगे 12.5 बारह आएगा ना आपका, 12/11, ये आपका निकल गया भी ये, मतलब सेल ए के सिरों के बीच विभवांतर। इसी प्रकार से आप सेल बी के सिरों के बीच विभवांतर खुद निकालेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ओके, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन, एक सर्किट दिया हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में धाराओं I1 I2 तथा I3 का मान ज्ञात करो, ठीक है, यह आपका परिपथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस परिपथ की सहायता से आपको क्या करना है, I1 I2 I3 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे पहले हम देखेंगे परिपथ से क्या स्पष्ट, परिपथ से हम सर्किट से कह सकते हैं कि जो I1 यहाँ से चला है, क्योंकि बैटरी 2 वोल्ट की, यहाँ 1 वोल्ट की, इसकी ज्यादा प्राथमिकता होगी, तो यहाँ से धारा आपका I1 चला है, जब इस बिंदु पर पहुंचा है C पर, यह दो भागों में डिवाइड हुआ है I2 और I3 में, तो मैं कह सकता हूँ कि I1 का वैल्यू क्या होगा, I2 प्लस I3 क्या होगा, बराबर होगा, हम लिख सकते हैं I1 is equal to I2 plus I3, this is equation number first, अब हम लोग बंद रूप लेंगे, ले लीजिए कोई बंद रूप, तो बंद रूप F, E, D, C, F में, बंद पास या तो ऊपर से या तो नीचे से, या कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, तो बंद पास कौन से ले, बताइए नीचे से ले, यहीं से ले लें, E D C F E में लूप के नियम से, तो लगा दीजिए क्या होगा, देखिए यहां पर हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो हमारा आगे वो लिखेंगे, तो E है धारा के चलने की दिशा में हम जा रहे हैं, तो I1 into होगा 4,
फिर उधर धारा जा रहा सेम डायरेक्शन, तो I2 इनटू होगा 2 इज इक्वल टू होगा 2 माइनस से प्लस, और तो सेम तो है नहीं। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, दो काम ले काट लीजिए, तो 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं बंद पास हमको दिखाई दे रहा है दिस, इसमें बात कर लेते हैं, तो बंद पास क्या रहता है, A F C B A, तो अगर इसमें आप लेंगे तो क्या होगा। अब यहां से चलिए, तो वहां से चलिए पहले, तो आपका वहां धारा है I3, तो I3 इंटू 3, अब धारा उधर है तो माइनस I2 इंटू 2, सही है, I2 इंटू क्या होगा 2 इज इक्वल टू, माइनस से प्लस है तो 1, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से प्लस है तो 1, तो दिस इंप्लाई 3I3 माइनस 2I2 इक्वल टू 1। अब देखो हमको क्या करना है, हमारे पास ये 3 इक्वेशंस मिल गए हैं, तो हमको इन 3 इक्वेशन के हेल्प से क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा, इसमें देखो I3 I2 है, इसमें I1 I2 है, तो अगर मैं इन 3 इक्वेशन की सहायता से क्या निकाल लूं, मैं इसका वैल्यू निकाल लूं I1 I2 और I3 का, ऐसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे, यहां देखिए I3, यहां देखिए I2, यहाँ इसी क्वेश्चन में I1 I2, तो मैं I3 का वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, यहाँ से क्या आएगा I1 माइनस I2, तो 3I1 माइनस I2 इज माइनस 2I2 इज इक्वल टू 1, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, दिस इंप्लाई आपका हो जाएगा 3I1 माइनस 3I2 इज माइनस 2I2 is equal to 1, this imply आप क्या करोगे 3I1 minus 5I2 is equal to 1, अब देखो 3I1 minus 5I2, यहां देखो आपका 2I1 plus 5I2 है, तो यहां पर अगर आप देखो दोनों इक्वेशन बन गए I1 I2 के टर्म, ठीक है, पूरा पब्लिट आ, चलिए हमने यहां तक सॉल्व कर लिया था, इक्वेशन थर्ड हमारा बन गया था, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 बाहर निकाल सकते हैं हम, तो अगर हम इक्वेशन के इक्वेशन 2 में यहां I2 या 5I2 -5I2 है, अगर हम इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5I2 आया -5I2, अब दोनों को जोड़ देंगे तो I2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 में मैंने 5 से गुणा करके इक्वेशन 3 को इसमें जोड़ दिया, तो 5 गुना 10, 10 3 हो गया 13, I1 5 हो जाएगा, 5 और 1 6, तो I1 आ गया 6/13, अब इस I1 का मान हम समीकरण कहां रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा I2 निकल जाएगा, अब बात करते हैं I3 कैसे निकालेंगे, तो I3 हमारा आसानी से निकल जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, तो I1 I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम I1 I2 का मान कहां रखेंगे समीकरण 1 में, तो I1 I2 का मान I1 व I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए कैसे रखेंगे, रखिए आपका था I1 इज इक्वल टू क्या था I2 प्लस I3, तो I1 आपका आया है 6/13, I2 प्लस I3 आपका I2 आया है 1/13 प्लस आपका है I3।